आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्नेक इन वेनोमेशम। समझे, स्नेक इन वेनोमेशम का मतलब होता है इंजरी बाई स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट को जो साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं उसको बोलते हैं स्नेक इन वेनोमेशम, यानी इंजरी बाई स्नेक बाइट या स्नेक प्वाइजन। स्नेक प्वाइजन से जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं स्नेक इन वेनोमेशम। उसी तरह होता है स्कॉर्पियन बाइट को बोलते हैं स्कॉर्पियन इन वेनोमेशम, यानी इंजरी बाई स्कॉर्पियन बाइट, बिच्छू जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, बेसिक चीजें हैं क्या है? अगर एक सिंगल बाइट, जैसे कभी कभी होता है स्नेक है एक सिंगल बाइट करके भाग जाता है, कभी कभी दो बाइट तीन बाइट कई बाइट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक सिंगल बाइट किया, ठीक है, हमारे पास जो चार इंपॉर्टेंट स्नेक होते हैं, चार टाइप के स्नेक होते हैं, ठीक है, वो उसको हम SKNR से याद करेंगे। SKNR क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है। तो अगर एक सिंगल बाइट है, एक बाइट में एक स्नेक, अगर एक बाइट तो कौन सा स्नेक कितने मिलीग्राम पॉइजन इंजेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सा स्केल्ड वाइपर होता है, सा स्केल्ड मतलब उसके जो फेस पीठ पे होगा उसके ऊपर ऐसे धारी धारी बना होगा, धारी धारा सा स्केल्ड जानते हैं, ठीक है, उस तरह होगा। तो सा स्केल्ड वाइपर एक बाइट में 13 मिलीग्राम पॉइजन ड्राई बेट, ये ड्राई बेट है, ड्राई बेट, ठीक है, जब वो जो इंजेक्ट किया इंजेक्ट बाइट उसमें करेगा मॉइस्ट फार्म में, जब को सुखाओगे एक बाइट में 13 मिलीग्राम पॉइजन इंजेक्ट करता है। करेत जो होता है, करेत, करेत क्या करता है 20 मिलीग्राम एक बाइट में, 20 मिलीग्राम। कोबरा, जिसे कोबरा को नाजा नाजा भी बोलते हैं, कोबरा का साइंटिफिक नाम होता है नाजा नाजा, लेकिन वो अपने पास बुला के आजा आजा कर देता है, ठीक है, तो ये 60 मिलीग्राम एक बार में 60 मिलीग्राम, ठीक है। और सबसे ज्यादा रसल वाइपर एक बार में एक बाइट में 63 मिलीग्राम। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिनिमम कौन करता है एक बाइट में, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम कौन करता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे डिलेड रिस्पॉन्स, सबसे डिलेड रिस्पॉन्स किस में आता है। मानो जैसे इंटी स्नेक वेनम दिए तो सबसे डिलेड रिस्पॉन्स आता है करेत के बाइट में, ठीक है। अब जो हमारा बेड नंबर एक PICU में पेशेंट है वो करेत बाइट है, तो यूजली क्या होता है 6-8 घंटे में बड़े आराम से इसे इंटी स्नेक वेनम 6-8 घंटा 10 घंटे बैठ जाते हैं उसके पेशेंट, 6-8 घंटे में उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये इस मतलब पेशेंट को लगभग 24-36 घंटे लग गए, अभी वो बात कर रहा है, ठीक है, फुली एकदम कांस ने बात कर रहा है, अपना बता रहा है, ठीक है। उससे पूछा गया कैसे, उसने अलग बड़ा बियर्ड हिस्ट्री दी कि मैं रात में 12 बजे गैस सुसु कर रहा था, उसमें एक मतलब धोती सफ़ेद धोती पहन के आई और उसने डंडे से मारा, ठीक है। अब है तो मतलब ये मतलब जैसे ना गाँव देहात बोलते चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल वाला काम, लेकिन ऐसा है नहीं, हो सकता स्नेक आकर काटा हो, वो चौक गया हो इस तरह का, और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्शियस डिस्टर्ब हो गया हो, इस तरह की बातें कर रहा हो, ठीक है। जब आया तो टिपिकल टोसिस था, उसके दोनों आंखें खुल नहीं रही थी, ठीक है, और हो सकता है भाई CNS के कारण हो सकता है, लेकिन मेनिंजाइटिस इंसेफलाइटिस के, लेकिन फीवर नहीं था, फीवर अब्सेंट था, अब्सेंट फीवर अब्सेंट है और टोसिस के साथ आ रहा है, तो कोई CNS, लेकिन उसको अगर कोई CNS क्रोनिक पैथोलॉजी प्रोग्रेसिव होगी तो धीरे धीरे होगा, 2-3-4 दिन अगर एकाएक आ रहा है तो पहला सस्पेक्ट आपका जाना चाहिए स्नेक बाइट, ठीक है, तो वही ध्यान देना है। तो वो टिपिकल करेत बाइट का पेशेंट है, डिलेड रिस्पॉन्स आई से। अब SKNR क्यों, क्योंकि सबसे कम है S का, साइज स्केल वाइपर, उसके बाद करेत का है 20 मिलीग्राम, उसके बाद नाजा नाजा का, ठीक है, नाजा नाजा, ठीक है, SK चाहे SKCR कर सकते हो कोबरा को, ठीक है, SKNR से ज्यादा सही है, नाजा नाजा 60 ग्राम और रसल वाइपर का सबसे ज्यादा 63 मिलीग्राम, ठीक है। अब इसके बाद जब ये काटेगा तो उसका क्लिनिकल फीचर आएगा, क्लिनिकल फीचर जो होते हैं स्नेक बाइट के वो डिपेंड करेगा कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम के अनुसार उसका क्लिनिकल फीचर आएगा। तो बहुत सारे स्नेक होते हैं वो पार्टिकुलर सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, पार्टिकुलर सिस्टम को, ठीक है। जैसे अब न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक बाइट क्या, न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम है,
न्यूरॉन को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो टोसिस, जैसा कि इस बच्चा के साथ। दूसरा जो इस बच्चे का सिम्टम था मिड्रेसिस, प्यूपल एकदम डायलेटेड थी, ठीक है। एक्सटर्नल ऑप्थल्मोप्लेजिया मतलब 3-4-6 क्रैनियल पैलसी, इतना कॉमन नहीं है। और रेस्पिरेटरी पैलसिस, जो मोर्टलिटी होती है रेस्पिरेटरी पैलसिस, मान लो हॉस्पिटल में नहीं घर पे है तो उसको इंटूबेट कर पाओ, मशीन देने हो, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, वो सांस लेने पे मर जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, उसके बाद पूरे होल बॉडी में एकदम फ्लैसिड पैरालिसिस, हाथ पर उठेगा नहीं, एकदम फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। तो ये इस ऑर्डर में सबसे कॉमन सिम्टम ये है न्यूरोटॉक्सिक का। तो टोसिस और मिड्रियासिस दोनों के साथ है, फीवर नहीं है, एक्यूट आंसेट है, एकाएक हुआ है, आपका पहला डायग्नोसिस स्नेक बाइट, और स्नेक बाइट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ट्रीटमेंट में एंटी स्नेक वेनम देते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लिनिकल। अब इसको कराता कौन कौन है, आपको सिम्टम याद रखना कौन कौन, इसको कराता है कोबरा, कोबरा इसका बिग फार्म होता है किंग कोबरा, एक होता है जो सबसे तगड़ा माहौल बनाता है, ठीक है, जो आप टीवी उसमें देखते हो ना ऐसे फन फुला के, ठीक है। नाग की बात कर रहे हैं, नागिंग का तो कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा करैत है, ठीक है, करैत, तो के का याद तो केसी याद कर सकते हो। किंग कोबरा या कोबरा और करैत न्यूरो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब दूसरे बात आता है कार्डियो वैस्कुलर टॉक्सिक, कार्डियो वैस्कुलर, तो कोबरा इसमें भी आएगा, कोबरा कार्डियो वैस्कुलर टॉक्सिक भी कराता है कोबरा। और दूसरा आएगा रसल वाइपर, खतरनाक रसल वाइपर, ठीक है। तो कोबरा दोनों में सी फार सी, सी फार कॉमन, एक सीसी और मिल गया, ठीक है, लखनऊ के अलावा, ठीक है। अब इसमें सीबीएस टॉक्सिक में, कार्डियो वैस्कुलर टॉक्सिक में क्या कराएगा, वो ब्रेडी कार्डिया करा सकता है, ठीक है। हार्ट रेट ये तो नोट को इफेक्ट किया, टॉक्सिन जाके उसको डैमेज कर दिया, कनेक्शन तोड़ के ब्रेडी कार्डिया, वह हो सकता है टैकी कार्डिया और एरिदमिया करा सकता, हो सकता है कभी ब्रेडी कार्डिया कभी टैकी कार्डिया, एरिदमिया एबनॉर्मल रेगुलर इरेगुलर हार्ट रेट, ठीक है। और अगर एबनॉर्मल या ब्रेडी कार्डिया टैकी कार्डिया होगा तो हार्ट अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो जो पंप जनरेट नहीं करेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो अल्टीमेटली किसमें जाएगा, हाइपोटेंशन और शॉक, शॉक में जाएगा। तो ये बच्चा शॉक में भी गया था, ठीक है, शॉक में भी गया था, लेकिन अब शॉक में हो सकता है भाई बच्चे का बेहोश है, खाना पीना खा नहीं पाए, हॉस्पिटल वहां लेके गए, वहां लेके गए, उसके कारण भी जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं, ठीक है। तो सीबीएस टॉक्सिक, कार्डियो वैस्कुलर टॉक्सिक। अब तीसरा होता इंडोक्राइनोटॉक्सिक, इंडोक्राइनोटॉक्सिक में आपका दो ग्लैंड डैमेज करता है, उसका टॉक्सिन जो होता है वो एक तो इंटीरियर पिट्यूटरी को डैमेज करेगा, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड से ही डोपा डोबुटा एड्रिनल जितने कैटकुलम में निकलते, ये निकलेंगे नहीं तो क्या बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, शॉक में चला जाएगा पेशेंट, शॉक में जाएगा ना। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन निकलता है, जो जो पांच हार्मोन निकलते हैं उनके फीचर आ सकता है, लेकिन ये सब रेयर है, इतना कॉमन नहीं। इसको कराता कौन है, वही रसल वाइपर, एकमात्र स्नेक जो इंडोक्राइन टॉक्सिक होता है रसल वाइपर, ठीक है। इसमें भी शॉक के रूप में पड़ सकता है, फीचर एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हुआ, तो उसके जो फीचर होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन जो देखने को मिलता है, मैक्सिमम केसेस जो देखने को मिलता है हमें, वो न्यूरोटॉक्सिक। अभी एक बताएंगे हिमेटोटॉक्सिक, ज्यादातर केसेस हिमेटोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, आपका न्यूरोटॉक्सिक हो गया था, इंडोक्राइनोटॉक्सिक, कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक स्नेक नेफ्रोटॉक्सिक है तो उसके क्या फीचर आएंगे, एक तो हिमेचूरिया होगा, ठीक है, अगर आरबीसी टूटेगी तो मायोग्लोबिनिया होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन मसल टूटेगा, मसल का जो ग्लोबिन निकलेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो हीमोग्लोबिन निकलेगा आरबीसी टूटेगा उसके कारण, ठीक है। ये दोनों जाके जो किडनी की ट्यूबुल होते हैं उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है। लोअर बैक पेन होगा, जहाँ किडनी होगा उसको ब्लॉक कर देगा, एटीएन हो जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, या लोअर बैक में बहुत पेन होगा, ठीक है, और यूरिमिया होगा, ठीक है, किडनी डैमेज होगी, यूरिमिया होगा, और एक्यूट रीनल इंजरी हो जाएगा, एकियाई हो जाएगा। तो ये सारे सिक्वेंशियल फीचर होंगे। और नेफ्रोटॉक्सिक स्नेक होते क्यों, रसल वाइपर और सी स्नेक,
सी स्नेक जो पानी में रहने वाले स्नेक होते हैं, रसल वाइपर और सी स्नेक, हिमेचूरिया, मायोग्लोबिनिया, हीमोग्लोबिनिया, लोअर बैक पेन और यूरेमिया एक याई के रूप में इस तरह से प्रेजेंट कर दे। नेक्स्ट होता है हिमेटोटॉक्सिक, हिमेटोटॉक्सिक मतलब ब्लड का टॉक्सिक, इसमें क्या करेगा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है ब्लीडिंग। अब वो ऊपर से चलते हैं ऊपर आंख में, आंख में क्या होगा कंजक्टाइवल ब्लीडिंग, कंजक्टाइवल में ब्लीडिंग स्पॉट होगा। उसके बाद आता है नोज, नोज ब्लीडिंग होगा, नोज ब्लीडिंग क्या बोलते हैं इपिस्टैक्सिक, आप लोग पढ़ रहे होंगे एनटी में, ठीक है। उसके बाद माउथ में गम ब्लीडिंग, गम से ब्लीड मुंह से खून हो रहा होगा। अगर जीआईटी ब्लीड होगा तो स्टूल में आएगा, ठीक है, और अगर मतलब किडनी में ब्लीड होगा तो यूरिन के थ्रू, तो यूरिन ब्लैक यूरिन हो सकता है, ब्लैक स्टूल, ठीक है, जब पास करता है ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक यूरिन ब्लैक स्टूल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हिमेटोटॉक्सिक मैनिफेस्टेशन, हिमेटोटॉक्सिक मैनिफेस्टेशन कौन कराता है रसल वाइपर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो रसल वाइपर केवल न्यूरोटॉक्सिसिटी को करा के सारे टॉक्सिन कराता है, रसल वाइपर सब में कॉमन है, ठीक है समझ रहे हो। अगर कोबरा देखा जाए तो कोबरा कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोटॉक्सिक जरूर कराता, दोनों कराता है। करैत देखा जाए तो केवल न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रसल वाइपर सब में पांच सिस्टम मेजर जो इन्वॉल्व होते हैं पांचों के अनुसार सिम्टम आते हैं, लेकिन जो मैंने आज तक देखा 70-80% जो केसेज आते हैं टोसिस के आते हैं, न्यूरोटॉक्सिक बाइट के मैक्सिमम केसेज आते हैं, ठीक है। देखो अब स्नेक बाइट में इन्वेस्टिगेशन क्या कराती है, तो इन्वेस्टिगेशन हमारा जो मुख्य पर्पज होता है कि न्यूरोटॉक्सिक बाइट है या हिमेटोटॉक्सिक, मेनली कोबरा करैत है या रसल वाइपर, ठीक है, इनको हमें डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर हिमेटोटॉक्सिक बाइट है तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंस होता है, न्यूरोटॉक्सिक का थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि ओवरऑल मैनेजमेंट तो एंटी वेनम स्नेक वेनम है, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम ही है, ठीक है। तो हालांकि हम इससे इस टेस्ट से केवल डिफ्रेंशिएट करते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक बाइट है या हिमेटोटॉक्सिक, तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसके लिए होल ब्लड क्लाटिंग टेस्ट, होल ब्लड क्लाटिंग टेस्ट, इसको करते क्या है एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकाल लेंगे 5 ml, 10 ml ले सकते हो, 5 ml में काम हो जाएगा 10 ml के, 5 ml ब्लड ले लीजिए और उसको 20 मिनट के लिए रख दीजिए। जैसा कि आपको पता है क्लाटिंग टाइम कितना होता है 3-6 मिनट या कहीं कहीं लिखा 3-9 मिनट, मैक्सिमम 9 है, हम 20 मिनट ले लिए, ऑब्जर्व किए 20 मिनट बाद, पॉसिबिलिटी है या तो क्लाट फॉर्मेशन हो जाएगा या तो क्लाट फॉर्मेशन नॉट होगा या डाउटफुल होगा। अगर क्लाट फॉर्मेशन हो गया इसका मतलब नॉन हिमेटोटॉक्सिक है, ठीक है। अगर हिमेटोटॉक्सिक होता तो क्या क्लाट फॉर्मेशन होता, क्लाट फॉर्मेशन नहीं होता तभी तो वेरियस ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा था, इसका मतलब क्लाट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था वेरियस, अगर क्लाट बन गया तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होगा ना, इसका मतलब नॉन हिमेटोटॉक्सिक बाइट है, यानी हिमेटोटॉक्सिक बाइट नहीं है, यानी रसल वाइपर नहीं है, ठीक है। अगर नॉट क्लाट फॉर्म, ठीक है क्लाट नहीं फार्म हुआ, इसका मतलब कि हिमेटोटॉक्सिक बाइट है, ठीक है हिमेटोटॉक्सिक बाइट है, रसल वाइपर होगा, ठीक है इसका मैंने। और अगर डाउटफुल है तुम्हें समझ में नहीं रहा क्लाट भी लग रहा है नॉट क्लाट भी लग रहा है तो तुम क्या करो रिपीट कर लो टेस्ट। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली कि इस टेस्ट के लिए 20 मिनट आप वेट नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट आपको जैसे पेशेंट आए तैसे स्टार्ट करना, क्योंकि देना ही है पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक बाइट एंटी स्नेक वेनम। जब ट्रीटमेंट चाहे कोई भी स्नेक बाइट हो, चार तरह के स्नेक बाइट मैंने बताया, चार तरह के स्नेक और चारों पॉलीवेलेंट क्या होगा कि उसमें चारों के अगेंस्ट एंटी वेनम है, जब चारों के अगेंस्ट एंटी वेनम ट्रीटमेंट वही है तो हम इसके लिए वेट नहीं करते। लेकिन ये सारे पेशेंट जहां देखना वहीं पे जहां पेशेंट हो पेशेंट के बेड पे उसमें टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल के इसे रख दिया जाता है चिपका के, मतलब उसमें शांत से रख दो 20 मिनट बाद ऑब्जर्व किया जाए ट्रीटमेंट सर। तो इससे होल ब्लड क्लाटिंग टाइम से ट्रीटमेंट अफेक्ट नहीं होता है, नॉट बेस्ड ट्रीटमेंट ऑन WBCT, WBCT पर ट्रीटमेंट बेस्ड नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देना है। तो हालांकि टेस्ट जानना है इसमें दो इंपॉर्टेंट, कितना ब्लड लेते हैं 5 ml लेते हैं, कितने देर के लिए 20 मिनट, और क्लाट फॉर्मेशन में क्या हिमेटोटॉक्सिक या नॉन हिमेटोटॉक्सिक बाइट को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिकेशन ऑफ सीवियर बाइट।
सीवियर मतलब खतरनाक बाइट है कि नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा गांव देहात में एक होता है गहनाक बाबा, ठीक है, वो होगा वहाँ पे बाबा लोग होते हैं, वो स्नेक बाइट की झड़ाई फुकाई करते हैं। तो वो होता क्या है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 50% केस गए, तो कुछ केस में क्या होता है 5-6 घंटा झड़ाई फुकाई करे उसके बाद उठ के बैठ जाता है, अरे गहनाक बाबा ने चमत्कार कर दिया, चमत्कार कर दिया, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट मर भी जाते हैं, ठीक है, आए जब उनको बहुत सारे कह दें जवाब, अरे इसको लेके हॉस्पिटल भागो जल्दी। तो होता क्या है कि देख के उनको इतना केसेस देखे होते हैं, इतना केस, तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये सीवियर स्नेक बाइट है, किंग कोबरा है, वाइपर है, कौन सा, उनको लगता है कोई नॉन पॉइजनस बाइट है, थोड़ा सा वो है। और सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, स्नेक बाइट जो पॉइजन से नहीं, उसको डर से लोग न्यूरोजेनिक शॉक में चले जाते हैं, जिसको भी बता दिया काट दिया, देख लिया भले कुछ पैर से निकल गया नहीं भी काटा, रहे ताकता है एकदम परेशान, डर के न्यूरोजेनिक शॉक में चले जाते हैं। तो लोग गए एकदम बेहोश हैं, अब बेहोश जाने के बाद भाई डर का बेहोश न्यूरोजेनिक शॉक कितनी देर रहेगा, एक आध घंटे बाद जाएंगे तो लेके पहुंचे वहां, तो बाबा हवा पानी वो किए, थोड़ा सा झूठे वो किए और उठ के बैठ गए, अरे बाबा तो चमत्कार कर दिए, ठीक है, बाबा चमत्कार कर दिए। अगर ऐसा है वाकई बाबा के अंदर चमत्कार, मैं मानता हूँ वाकई है, तो उनको सारे केस को, किसी केस को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए, नहीं इसको लेके जल्दी भागो। अगर वाकई चमत्कार, तो अगर चमत्कार है तो चाहे पॉइजनस हो चाहे जैसा हो, हर किसी को भेजना नहीं चाहिए, सारे को ट्रीट करना चाहिए। लेकिन देखिए कुछ को तुरंत कह देंगे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ, और कुछ कहें नहीं नहीं वो करेंगे, ठीक है। तो उनको आइडिया होता है इस चीज़ को, इस अंधविश्वास को लोग फायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास होगा, वो बुरा भी मान रहे हो मेरी बात को, लेकिन अगर किसी को भी स्नेक बाइट करता है तो एज अर्ली एज हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर टाइमली एंटी स्नेक वेनम लग गया तो टाइमली लग गया तो 95% से ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं होती, पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है, 6-8-10 घंटे 20 घंटे में उठ के बैठ जाता है, ये इम्प्रूवमेंट होता है, ये कमाल है एंटी स्नेक वेनम का, ठीक है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है किसी से कि कोई भी ऐसा नहीं जाना वहाँ पे झड़ाई फुकाई के चक्कर में, बहुत बहुत मोर्टलिटी हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है झड़ाई फुकाई के चक्कर में वहाँ गए, उधर समय बेच, जब तक हॉस्पिटल ले तब तक रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हुआ रास्ते में, उसके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हुआ, अब रास्ते में इंटूबेट तो नहीं कर पाओगे, बहुत सारे पेशेंट मरे। अगर टाइमली हॉस्पिटल पहुँच गए, भले एंटी स्नेक वेनम में लेट भी हो गया तो आपको इंटूबेट करके रेस्पिरेटरी बचा लिया जाएगा, और अगर हिमेचूरिया वगैरह नहीं हुआ है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस और तुम्हारा हिमेटोटॉक्सिक बाइट नहीं, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट बच जाते हैं। मुझे जहाँ तक याद है अपने रेजिडेंसी में 3 साल में लगभग 70% पेशेंट स्नेक बाइट के बच जाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है, वही अगर नॉन टॉक्सिक है, या जैसे मान लो मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है, मान लो टोसिस वोसिस भी है, 8-10 घंटे में 10-12 घंटे में इम्प्रूव हो जाता है ना, ठीक है। तो 10 घंटा 4 घंटा तुम्हारा 2-3 घंटा ले जाने में हो गया, वहाँ देखे नॉन टॉक्सिक 2-3-4 घंटा रखे झड़ाई फुकाई के, उसने उसको हेस और होश आने लगा, वो चीज़ हुआ, तो बड़ा बाबा कमाल कर दिए, झाड़ फूक में बड़ा ताकत है। मैं मानता हूँ अगर ताकत है तो किसी केस को रिफर नहीं करें, सारे केस को ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है, वो करके ठीक करना चाहिए अगर वही चीज है, ठीक है। आस्तिक होना अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ में बहुत मोर्टलिटी होती है, इसलिए बताना चाहिए। तो होता क्या है, कैसे पहचानोगे सीवियर बाइट है, अर्ली एक्सटेंशन ऑफ लोकल स्वेलिंग। आप ध्यान देना जहाँ पे स्नेक बाइट होता है, यहाँ पे अगर स्नेक बाइट है यहाँ पे है, तो वहाँ स्वेलिंग होने लगता है, स्वेलिंग, अगर वो स्वेलिंग अर्ली बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब सीवियर बाइट है, तगड़ा वाला माहौल बनाया है, काटा है, ठीक है। दूसरा है अर्ली एक्सटेंशन, अर्ली टेंडर लिम्फेनोपैथी, मान लो क्या होता है इसका ड्रेनेज होगा लिम्फ नोड के थ्रू, तो यहाँ पे काटा तो यहाँ का लिम्फ नोड कौन सा पड़ेगा, एक्जिलरी, अब एक्जिलरी टेंडर लिम्फ नोड छूने पे करा रहा के टेंडर लिम्फ नोड, या यहाँ पे काटा पोपलिटियल, ठीक है, या यहाँ पे काटा तो इंग्वायनल। अगर अर्ली टेंडर लिम्फेनोपैथी है, इसका मतलब सीवियर बाइट है, या अर्ली सिस्टमिक फीचर, काटने के 1 घंटे के अंदर 1/2 घंटे में उसको टोसिस होने लगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल स्नेक बाइट का मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है वोमिटिंग, मोस्ट कॉमन भी है और ये पुअर प्रोग्नोसिस को भी बताता है, अगर वोमिटिंग हो रहा है। क्यों पुअर प्रोग्नोसिस, क्यों वोमिटिंग होता है सीएनएस इन्वायरमेंट में, मतलब आपका ब्रेन डैमेज कर रहा है, न्यूरोटॉक्सिक है ये भी, तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन भी होता है, पुअर प्रोग्नोसिस को भी बताता है, वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है। अर्ली सिस्टमिक फीचर जैसे टोसिस और इमेच्यूरिया वगैरह हो गया, या अर्ली ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, काटा 1/2 घंटे में नाक खून आँख से ब्लीडिंग शुरू हो गया, ठीक है। और ब्लीडिंग देखिए किसी का खुद का ब्लीड कहीं छोटा सा खून देख के ऐसा लगता है, मतलब अब तो मैं गया, हम लोग को नॉर्मली किसी को लगे ना
ठीक है। और हमारे यहाँ कौन आते हैं, बच्चे, बच्चे तो और घबरा जाते हैं, तो घबराने के कारण वो जाएंगे न्यूरोजेनिक शॉक में और मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये चार इंडिकेशन होते हैं सीवियर बाइट के।